सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि विंडोज 10 में वाईफाई को ऑन या ऑफ कैसे करते हैं। ठीक है, आज का ये वीडियो है सवाल के जवाब में। विंडोज 10 पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, वाईफाई को ऑन या ऑफ करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में जाना है। यहाँ पर देखिए सर्च ऑप्शन आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पर हमको टाइप करना है वाईफाई। जैसे वाईफाई यहाँ पर टाइप करेंगे, ऊपर ये ऑप्शन हमें आता है टर्न वायरलेस डिवाइस ऑन और ऑफ। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने होगा। यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है वाईफाई के लिए। ठीक है, इसको इधर करके आप ऑफ कर सकते हैं, इसको इधर करके आप ऑन कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको ऑन रखा है। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। एक तरीका ये भी है, राइट साइड में ये देखिए यहाँ पर आपको वाईफाई का साइन दिख रहा होगा। ठीक है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी है, इसको भी ऑफ या ऑन करके आप, ये देखिए मैंने ऑफ कर दिया, अब इसको ऑन कर रहे हैं तो वापस से ये ऑन हो गया। ठीक है, तो ऑन ऑफ कर सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है।